हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा था और फजान्स रूल्स कंप्लीट किए थे, और उसके कई सारे हम लोगों ने फैक्टर्स देखे थे कि फजान्स रूल से हम क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, राइट, कोवेलेंट करेक्टर, आयनिक करेक्टर, पोलराइजेशन, कलर्स, है ना। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आप लोगों ने लुईस का कॉन्सेप्ट तो सीखा है, राइट, बट एक नया कंसेप्ट आता है जो हमें कई सारी बातों के बारे में सॉल्यूशन देता है। जैसे हम लोगों ने थोड़े एक दो लेक्चर पहले एक बात पढ़ी थी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो चार ही बॉन्ड बना रहे थे, जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन चार से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाता था, है ना। ऐसे ही अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन तीन ही बॉन्ड बना पाता था, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, राइट। लेकिन नाइट्रोजन के जस्ट नीचे कौन है? फॉस्फोरस। वो तो पांच भी बना लेता है, जरूरत पड़ी तो वो छह भी बना लेता है, ठीक। अब पांच में भी केस है, जैसे पांच में PCl5 बनता है, PF5 भी बनता है, पर PH5 नहीं बनता। अब ये क्या ड्रामा है भाई, PF5 बन रहा है, PCl5 बन रहा है, तो PH5 भी बन जाता, सब हाइड्रोजन एक एक शेयर कर लेते जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन कर रहे हैं, पर वो नहीं बनता, राइट। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जो ये बताएंगे कि कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है, पहली चीज, ठीक। फिर उसके बाद अगर बॉन्ड बना सकता है तो किस एलिमेंट के साथ बनाएगा और किस एलिमेंट के साथ नहीं बनाएगा, तो ये सब बातें बताने के लिए हमारे पास कौन आया? ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, ठीक। चल, तो अब ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट कहता क्या है, पहले उस बात को समझते हैं। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे आपको ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो ए का एक इलेक्ट्रॉन लेकर आना पड़ेगा और बी का एक इलेक्ट्रॉन लेकर आना पड़ेगा, और दोनों को क्या कराना होगा, दोनों को पेयरिंग करानी होगी। अगर आप ऐसा कर देते हो तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, और ऑर्बिटल क्या कहता है? ऑर्बिटल कहता है कि देखो, मेरे अंदर दो इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हो, जब दोनों रख दोगे तो मैं फुलफिल्ड हूं, जब एक रखोगे तो मैं हाफ फिल्ड हूं, और फुलफिल्ड हाफ फिल्ड से ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब ऐसा समझो, जैसे मान लो एक एलिमेंट है ए, उसका ऑर्बिटल है हाफ फिल्ड, एक एलिमेंट है बी, उसका ऑर्बिटल भी है हाफ फिल्ड, ठीक। अच्छा, जब आप एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रखते हो तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि एक अप स्पिन रखो तो दूसरा डाउन स्पिन रखना, दोनों अप नहीं रख सकते, दोनों डाउन नहीं रख सकते, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो आपको इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन को पेयर कराना होगा। अगर आपने इन दोनों को पेयर करा दिया तो दोनों ऑर्बिटल मर्ज करके एक इस तरीके से नया ऑर्बिटल बना लेंगे जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन रखे होंगे, और दुनिया कहेगी कि ये दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डिनोट किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो यू शुड हैव टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स बिटवीन द एटम्स अमंग विच यू वांट टू मेक द कोवेलेंट बॉन्ड। आप जिन दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हैं, कम से कम एक नेसेसरी कंडीशन है कि उन दोनों के पास एक एक, मतलब अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो दोनों के पास एक एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। ये कौन कहता है? ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट कहता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा ये बात सच है या ये बात गलत है, ये वाली बात ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट हमको बताता है, क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात तो ये हो गई ए बी के बारे में, अब कुछ और बातें कर लेते हैं। सर, अगर ए के पास ही दोनों इलेक्ट्रॉन होते, यानी कि ए के पास एक ऑर्बिटल है जो फुलफिल्ड है और बी के पास एक ऑर्बिटल है जो कंप्लीटली वेकेंट है, और अगर ए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर ले, तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि जो आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझाया था वो यही था? हाँ बिल्कुल, वो यही था जिसको हम लोग ऐसे डिनोट कर देते थे, और फिर क्या करते थे, इसको कोवेलेंट बनाते थे, इस पर पॉजिटिव लगा देते थे और इस पर नेगेटिव लगा देते थे, राइट, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते, अब हम लोग कुछ और बातें करते हैं, बस ये समझते रहना आप लोग, ये समझने की ही चीजें हैं, एक बार समझ में आ जाएंगी, इनसे कुछ पूछता नहीं है, बट ये समझ में आएंगी तभी आगे चीजें समझ में आएंगी जहां पर वो पूछता है।
ठीक, जो लिखवाने का होगा वो मैं सब लिखवा दूंगा। अभी बस लिखवाने की एक ही बात आई थी क्या, कि कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब दो एलिमेंट ऐसे कंबाइन होंगे जिनके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब जैसे सपोज मैं आपसे बात करूं पीएच थ्री फोस्फीन बोलते हैं इसको, फोस्फीन गैस होती है राइट। ठीक है, अब इसको बड़े ध्यान से समझना। जैसे सपोज फोस्फोरस है, फोस्फोरस का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ठीक है, तो यानी कि ये फुलफिल्ड है, ये फुलफिल्ड है, ये फुलफिल्ड है, ये फुलफिल्ड है। अच्छा, 3p3 की बात कर लें तो इसमें p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। अच्छा, इससे मिलने कौन आ रहा है, इससे मिलने आ रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन के पास सबके पास एक एक ऑर्बिटल है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हाइड्रोजन भी चाहता है मैं पेयर हो जाऊं, फास्फोरस के तीन ऑर्बिटल भी चाहते हैं मैं पेयर हो जाऊं, ये तीनों आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग, ये तीनों आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग, और पीएच थ्री बन जाएगा। तो एक एच, दूसरा एच, तीसरा एच, और ये जो हम हमेशा लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं ना, तो पांच होते हैं, तो ये जो दो बचे वो कहां पर हैं, वो एक्चुअली में 3s2 में प्रेजेंट हैं। और ये कौन से कंबाइन कर गए, ये 3p वाले कंबाइन आपके कर गए, किसके साथ, हाइड्रोजन के 1s के साथ, हाइड्रोजन के 1s के साथ, हाइड्रोजन के 1s के साथ। तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड बना होगा ये किसकी मिक्सिंग के द्वारा बना है, सर ये हाइड्रोजन के एस और फास्फोरस के पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बना है। तो मैं लिख सकता हूं कि ये बॉन्ड एस और पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बना है, यानी कि ये एसपी मिक्सिंग से बना हुआ बॉन्ड है। अभी के लिए मैं ये वाली बात समझ रहा हूं, ठीक है, कि भाई एक एस और एक पी मिक्स हो गया। मैं अभी बस जो बात ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट कह रहा है मैं वो कह रहा हूं, ये बात सच है या गलत है इसका कोई प्रमाण अभी मैं आपको नहीं दे रहा, आगे कॉन्सेप्ट आएंगे तब मैं सारी चीजें आपकी क्लियर कर दूंगा, अभी के लिए बस समझते रहो जो मैं बात बता रहा हूं। ठीक है, लोगों ने कहा अच्छी बात है, तो क्या आप कहना चाह रहे हो कि PF3 भी ऐसा ही बना होगा? मैंने कहा बिल्कुल, क्यों, क्योंकि फास्फोरस में तो 3p3 है, यानी कि पी के तीनों ऑर्बिटल कैसे होंगे, खाली होंगे। अच्छा, फ्लोरीन कैसा है, सर फ्लोरीन है 1s2, 2s2 और 2p5। 2p5 होने का मतलब क्या है कि p में पांच इलेक्ट्रॉन होंगे, सर पांच इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, इस तरीके से यहां, और p में कैसे होंगे, p में होंगे ऐसे। तो ये एक फ्लोरीन का है, तीनों फ्लोरीन में एक एक हाफ फिल्ड होगा, हाँ बिल्कुल, मैं एक ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, पूरी सबशेल की नहीं, फ्लोरीन की पी सबशेल हाफ फिल्ड नहीं है, एक ऑर्बिटल तो हाफ फिल्ड है, ये जाकर तो इससे कंबाइन कर लेगा ना, बिल्कुल, अगले फ्लोरीन का इधर कर लेगा, बिल्कुल, अगले फ्लोरीन का इधर कर लेगा, बिल्कुल। तो तीन फ्लोरीन ने तीन फास्फोरस के साथ कंबाइन कर लिया तो तीन बॉन्ड बन सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब अगली बात आई, सर एक बात बताओ, ये तब से आप ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट चिल्ला रहे हो, ये PF5 कैसे बना होगा, समझाओ उनको, क्योंकि फास्फोरस में तो तीन ही पी खाली हैं, और अभी आपने बोला कि अगर पांच कोवेलेंट बॉन्ड बनने थे तो कम से कम पांच ऑर्बिटल फास्फोरस के पास खाली होने चाहिए थे, क्योंकि फ्लोरीन के पास तो पांच हैं ऑर्बिटल जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फास्फोरस के पास कहाँ है सर। तो मैंने कहा एक काम करो, क्या फास्फोरस का थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। आपने कहा फास्फोरस का थर्ड शेल का है 3s2 और 3p3। मैंने कहा थर्ड शेल में कोई और भी सब शेल होती है? आपने कहा हाँ सर, थर्ड शेल के पास डी भी होता है। मैंने कहा डी में कोई इलेक्ट्रॉन है? आपने कहा नहीं सर, जीरो है डी में। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करें, क्या एक एस का इलेक्ट्रॉन ले जाकर डी में पहुंचा दें? आपने कहा सर पहुंचा दो। तो इसको बोलोगे क्या आप? बोलोगे कि हमने एस का प्रमोशन कर दिया, क्यों, वो अभी पीछे बैठा था, हमने इसको आगे पहुंचा दिया। और प्रमोशन कब हुआ होगा? जब एस एक्साइट हुआ होगा, ठीक। तो हम एक्साइटेशन को ऐसे स्टार बना के लिखते हैं, और इस कंसेप्ट का सही नाम तो होता है प्रमोशन। इस कंसेप्ट का सही नाम क्या होता है? प्रमोशन। लेकिन लोग इसको एक्साइटेशन भी बोलते हैं।
फिर से बोल रहा हूँ, सही नाम क्या है? प्रमोशन, लेकिन लोग इसको एक्साइटेशन भी बोलते हैं। अब क्या होगा, एस से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और डी में बैठ जाएगा। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमें पांच बॉन्ड बनाने थे। अब एस भी हाफ फिल्ड, पी भी हाफ फिल्ड, डी भी हाफ फिल्ड, पांच ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो चुके हैं। तो एक एस में है, तीन पी में है और एक डी में है। सबसे एक एक फ्लोरीन आएगा और कंबाइन कर लेगा। एक फ्लोरीन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, और क्या बन जाएगा? PF5। अच्छा सर, ऐसी PCl5 भी बनता होगा? बिल्कुल। तो सर फिर PH5 क्यों नहीं बना? क्योंकि बेटा PH5 में नो एक्साइटेशन। सर ये क्या बदतमीजी है, हमको कैसे पता लगेगा कि कब एक्साइटेशन होगा और कब एक्साइटेशन नहीं होगा? तो अब लिखो आप क्या रूल्स फॉर एक्साइटेशन, रूल्स फॉर एक्साइटेशन क्या है? रूल्स एक्साइटेशन के लिए, पहली बात, एम्प्टी ऑर्बिटल्स शुड बी देयर, एम्प्टी ऑर्बिटल्स शुड बी अवेलेबल। अरे एक्साइटेशन कराओगे तो कहां कराओगे? आगे घर तो खाली हो तो एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, सराउंडिंग एटम शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव। सराउंडिंग एटम कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो मैं कुछ लिखवा दे रहा हूं, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले चल जाएंगे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये पूरी हैलोजन फैमिली आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, इतने काफी है। अगर इतने एलिमेंट हैं तो काम बन जाएगा, ठीक। अच्छा तो अच्छा, इसलिए सराउंडिंग एटम क्या करेगा सर? सराउंडिंग एटम क्या करता है? सराउंडिंग एटम आपके ऑर्बिटल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ऑर्बिटल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? उनको सिकुड़ देता है। मतलब जैसे अगर मान लो डी इधर है तो इसको क्या करेगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर ले आएगा, ऐसे करके। तो सर अंदर आने से क्या हुआ? अंदर आने से ये हुआ बेटा, ऐसे समझो, अगर मान लो एस की एनर्जी कम थी, पी की एनर्जी उससे ज्यादा थी, क्योंकि एस न्यूक्लियस के क्लोज होता है ना, और डी की एनर्जी और ज्यादा थी। तो अब क्या होगा, अगर आप सराउंडिंग एटम को लेकर आओगे इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जो, तो वो क्या करेगा, वो सारे ऑर्बिटल की एनर्जी को थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो एस मान लो यहां से कॉन्ट्रैक्ट होकर चला जाएगा, यहां पर कम कॉन्ट्रैक्ट होता है एस, पी थोड़ा उससे ज्यादा होता है तो यहां आ जाएगा पी, और डी और भी ज्यादा होता है तो डी यहां आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहां पर गैप मान लो एक्स था तो यहां पर गैप वाई हो गया, और वाई जो गैप है वो एक्स से बहुत बहुत छोटा है। तो ये वाले काम नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं कर पाते। हाँ बेटा, वो वाले काम नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं कर पाते, इसीलिए PCl5 बनता है, PBr5 बनता है, PI5 बनता है, PF5 बनता है, पर PH5 नहीं बनता, पर PH3 बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर केवल ना तो ऑर्बिटल की नीड है आगे, ना ही सराउंडिंग एटम की। क्यों? क्योंकि तीन अनपेयर्ड अवेलेबल है। अच्छा सर, नाइट्रोजन वाली बात और समझा दो जरा हमें, कि नाइट्रोजन के चार ही बॉन्ड क्यों बने थे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, 1s2, 2s2 और 2p। कम ऑन, कितना है इसका? तो अगर आपको बॉन्ड बनाने हैं तो 2p से ही तो बनाओगे, तो एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं? 3 कोवेलेंट बॉन्ड। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे? 3 कोवेलेंट बॉन्ड। पर सर अभी तो आपने बोला था, क्या बोला था, कि नाइट्रोजन के मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनते हैं,
तो ये चौथा बॉन्ड कहां से बना ये समझाओ हमको। मैंने कहा बेटा जो चौथा बॉन्ड बना था वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, जिसको बाद में तुमने कोवेलेंट बॉन्ड की तरह दर्शाया होगा। और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां से आया होगा? सर 2p पूरा भरा हुआ था, वो पक्की बात है। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होगा वो किसी एम्प्टी ऑर्बिटल में गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया में तीन क्या है, अमोनिया में तीन हाइड्रोजन है, तीनों के पास हाफ फिल्ड है और अमोनिया में तीन पी ऑर्बिटल खाली है। ये भी हाइड्रोजन से जुड़ेगा, ये भी हाइड्रोजन से जुड़ेगा और ये भी हाइड्रोजन से जुड़ेगा। अब यहाँ पे टू में डी नहीं होता तो यहाँ पर एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन टू में एस तो है। अगर मान लो मैं कहीं से आपके पास H प्लस ले आऊं, H प्लस क्या है सर, पूरा खाली, तो ये इलेक्ट्रॉन पूरे इसके साथ शेयर कर लेगा, इसीलिए हम लोग लिखते हैं NH4+। ये प्लस कहां से आया, ये H प्लस आया था, वो अपने साथ प्लस लेकर आया था। तो लोग इस डायग्राम को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक, यहां H प्लस बोल देते हैं, और नहीं तो लोग इस डायग्राम को पूरे अमोनिया पर प्लस लगाकर भी लिख देते हैं, ठीक। और नहीं तो लोग इस बात को ऐसे भी लिख देते हैं कि अगर नाइट्रोजन से मैं मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाऊंगा और कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊंगा तो देने वाले पर कौन सा चार्ज आएगा, सर पॉजिटिव, और लेने वाले पर नेगेटिव, लेकिन एक पॉजिटिव ऑलरेडी बैठा हुआ है तो पॉजिटिव नेगेटिव फिट तो कैंसिल, NH4 ऐसे भी बना देते हैं। समझ में आई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको चीजों को सिखा पाऊं। अब एक और अच्छा केस लेते हैं, सल्फर की बात कर लें। सल्फर कैसा होता है, नियॉन, उसके बाद 3s2 और उसके बाद 3p4, बोलो भाई, ठीक। तो 3s2 कैसा होगा सर, ऐसा होगा। 3p4 कैसा होगा सर, ऐसा होगा, सही है। और इसमें सर 3d भी खाली होगा। तो मैंने कहा बेटा एक काम करो, सल्फर को एक बार अच्छा बिना एक्साइट के क्या होगा, सर दो ही हाफ फिल्ड हैं और अगर दो ही हाफ फिल्ड हैं तो मैक्सिमम दो ही कोवेलेंट बॉन्ड वो बना सकता है, मैक्सिमम दो ही कोवेलेंट बॉन्ड वो बना सकता है। बाकी के दो कैसे बनाएगा सर, बाकी के दो कोऑर्डिनेट बना सकता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा SO3 बनाओ, तो आपने कहा सर दो कोवेलेंट बॉन्ड बना दे रहा हूं ऑक्सीजन के साथ, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का अगर लिखोगे तो 1s2 2s2 और 2p4 होता है। ऑक्सीजन के भी 2p में केवल और केवल दो ही खाली हैं, तो ऑक्सीजन एक इसके साथ दो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। मैंने कहा बेटा बाकी का क्या होगा, तो आप कहोगे सर बाकी में ऐसे और ऐसे हो जाएगा, बाकी में ऐसे और ऐसे हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, कुछ और बताइए। तो लोगों ने कहा एक काम करो, सल्फर को एक बार एक्साइट कर दो। तो जब सल्फर को एक्साइट करेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले p का इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, d में। और जैसे ही पी का इलेक्ट्रॉन डी में गया, अब कितने खाली हो गए, आपने कहा सर चार ऑर्बिटल खाली हो गए, तो सल्फर अब यहां पर चार कोवेलेंट बॉन्ड बना सकेगा, इसलिए SF4 होता है। SH4 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एक्साइट नहीं करा सकता, तो इसलिए H2S तो बनता है लेकिन SH4 या H4S नहीं बनता, SF4 बनता है। क्लियर हो गई बात, SO2 बनता है। SO2 क्यों, क्योंकि दो के साथ और दो के साथ चार कोवेलेंट बॉन्ड उसने बना लिए, चार कोवेलेंट बॉन्ड उसने बना लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं,
तो ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट थी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या फर्स्ट प्रमोशन स्टेट, फर्स्ट प्रमोशन या फर्स्ट एक्साइटेशन, क्योंकि अभी हमने एक ही एक्साइटेशन कराया ना, अभी हमने एक ही एक्साइटेशन कराया, अब हम कराने जा रहे हैं दूसरा एक्साइटेशन, तो दो स्टार लगा देते हैं। क्यों दूसरा करा रहे हैं सर? अभी एस का भी इलेक्ट्रॉन है ना, इसको भी हटाने का मन है और मन कर रहा है कि इसको यहां पहुंचा दें, तो चलिए पहुंचाते हैं। ये भी अकेला, पी के भी तीनों अकेले और डी के भी पांचों अकेले, ये लो। तो अब यहां पर एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, इसलिए SF6 बनता है, H6S नहीं बनता। क्यों? हाइड्रोजन ये काम नहीं करा सकता। ठीक, तो ये थी आपकी सल्फर की कहानी। ऐसे ही SF2 भी बनेगा, यहां पर SCl2 भी बनेगा, SBr2 भी बनेगा, है ना, ये सब बन जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। इसीलिए अब कोई आपसे पूछे कि NCl3 तो एग्जिस्ट करता है लेकिन NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, तो रीजन बता दोगे? क्योंकि NCl5 में, मतलब नाइट्रोजन में, कोई भी लो लाइन वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं। अब लो लाइन वेकेंट डी ऑर्बिटल का मतलब समझे? क्योंकि देखो, आपका जो बोहर था वो क्या कहता था? बोहर कहता था कि शेल तो सब में इनफाइनाइट है लेकिन इलेक्ट्रॉन वही जाएंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π होगा। तो इसका मतलब ये कहना गलत है कि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट ऑर्बिटल और इनफाइनाइट शेल हर एलिमेंट में होती हैं। तो फिर क्या बोले? प्रॉपर एनर्जी का डी ऑर्बिटल, और लो लाइन मतलब लो एनर्जी का, लो एनर्जी मतलब ताकि आराम से इलेक्ट्रॉन उसमें कूद जाए। तो नाइट्रोजन में लो लाइन डी ऑर्बिटल नहीं है ऑफ सूटेबल एनर्जी। ये पूरी बात बोलनी पड़ेगी कि नाइट्रोजन में लो लाइन डी ऑर्बिटल नहीं है ऑफ सूटेबल एनर्जी। ऐसे ही OF2 तो बनता है लेकिन OF4 नहीं बनता और OF6 नहीं बनता। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन तो नो डाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक्साइट करा देगा, लेकिन एक्साइट कराएगा कहां पे? घर तो होना चाहिए खाली, घर नहीं है उसके पास। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। ये बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट था और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, और ये जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, ये जो ऑर्बिटल के कंसेप्ट की, इसको लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, इसको लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो आपका काम क्या होगा, आप एनसीईआरटी में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट देखिएगा और कोशिश करिएगा आप उनको नोट्स में लिख लें, बड़े काम के हैं। डायरेक्ट कभी कभी चार स्टेटमेंट में चारों पोस्टुलेट आ जाते हैं, लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, तो ये सब चीजें उसमें से हो सकता है कुछ पोस्टुलेट आपको अभी ना समझ में आए, वो वेस्पर से रिलेटेड होंगे, वो बाद में आ जाएंगे, बट लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, वो काम आपको एनसीईआरटी से करना है। समझा मैंने सारा? ठीक, अब हम लोग कुछ और बातें करते हैं। जैसे सपोज मैंने आपसे कहा H2, ठीक, अब मैं बहुत बेसिक से लेकर जा रहा हूं आपको, मैंने आपसे पूछा H2 कैसे बनाओगा बताओ, तो आपने कहा सर हाइड्रोजन के पास एक ऑर्बिटल है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक ऑर्बिटल है और ये दोनों करे होंगे मिक्स और इन्होंने बना दिया होगा HH। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये कौन सा ऑर्बिटल था? आपने कहा S। ये कौन सा ऑर्बिटल था? आपने कहा S। अच्छा, एस ऑर्बिटल दिखता कैसा है? आपने कहा ऐसा। दूसरा एस ऑर्बिटल कैसा दिखता है? आपने कहा ऐसा। इस पर कोई चार्ज बना दूं? आपने कहा प्लस। इस पर कौन सा चार्ज बनाऊं? तो आपने कहा सर रुक जाओ, यहां पर गड़बड़ है। क्या? कि अगर ये दोनों ओवरलैप करे होंगे तो वही वेव्स ओवरलैप करती हैं जिनका फेज सेम होता है। आप लोगों ने शायद फिजिक्स में ये वाली बात सीखी होगी कि अगर कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको कराना है तो आपको प्लस को प्लस से मिलाना पड़ेगा और माइनस को माइनस से, तभी जाकर ये जो वेव है वो जुड़कर ऐसी बनेगी। अगर आपने प्लस को माइनस से ओवरलैप करा दिया, ध्यान से देखना, अगर आपने प्लस को माइनस से ओवरलैप करा दिया तो ये वेव नष्ट हो जाएगी और ऐसी हो जाएगी। ये भी मैंने ज्यादा बड़ी बना दी,
सॉरी, सब बिगड़ गया। फिर से दिखा दूं? तो जैसे अगर आपने ये करा दिया तो क्या होगा, ये पूरी वेव आपकी खत्म हो जाएगी इस तरीके से। ये भी मैंने ज्यादा बड़ी ही बना दी है और इसमें कोई साइन अब आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो ऐसा ओवरलैप अच्छा ओवरलैप नहीं माना जाता। तो अगर आपको एस और एस ऑर्बिटल को आपस में ओवरलैप कराना है तो आपको या तो प्लस प्लस पास में लेकर आओ या दोनों के माइनस माइनस पास में लेकर आओ। तो ये प्लस माइनस क्या है अगर किसी को याद ना हो तो मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था, मैं फिर से बता देता हूं। हर ऑर्बिटल के ऊपर एक इस तरीके से प्लस और माइनस होता है। ये प्लस और माइनस आर नॉट चार्जेस, ये चार्जेस बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? दे आर रिप्रेजेंटिंग द फेज ऑफ वेव। ये वेव का फेज दिखा रहे हैं कि यहां पर अगर जैसे एक वेव के दो फेज होते हैं ना, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया था ना, हर ऑर्बिटल अपने आप में एक वेव फंक्शन है। हर ऑर्बिटल अपने आप में एक वेव है। तो जैसे आपकी वेव की इमेज ऐसे बनाते हो ना, अब आप वेव की इमेज ऐसे बनाओ तो या तो वो पूरी पॉजिटिव होगी या वो पूरी नेगेटिव होगी। ठीक, तो इसका मतलब ये है आपका 1s1, इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन होगा कहीं पर और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा इस तरीके से। ये भी क्या है? 1s1। और जब ये ओवरलैप करेंगे, जब ये ओवरलैप करेंगे तो याद रखो, अगली बात ओवरलैपिंग का रूल सिखा रहा हूं। ओवरलैपिंग ऑलवेज अकर्स व्हेन द न्यूक्लियस आर प्लेस्ड ऑन द सेम एक्सिस। जब न्यूक्लियस सेम एक्सिस पर होता है तभी ओवरलैपिंग होती है। और IUPAC ने वो एक्सिस भी फिक्स कर दिया, दैट एक्सिस इज जेड एक्सिस। यानी कि जब भी आप दो ऑर्बिटल को ओवरलैप कराओगे तो हमेशा जेड एक्सिस पर दोनों के न्यूक्लियस को रखना। अभी मैं ये सब समझाऊंगा, ठीक है? इसीलिए इसको बोला जाता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये बहुत काम की बात है, इस बात को अच्छे से रट लीजिएगा। इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से समझो। मान लो मैंने ये फिक्स कर दिया कि ये मेरी जेड एक्सिस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन उसका ये न्यूक्लियस, दूसरा हाइड्रोजन उसका भी ये न्यूक्लियस, दोनों को आपको जेड एक्सिस पर रखना पड़ेगा। और फिर ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे और पिक्चर बनेगी कुछ इस तरीके से। यानी ये क्या कर गए, ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर गए और दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। दोनों इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, ओवरलैपिंग जोन में। इस जोन को बोला जाता है ओवरलैपिंग जोन। अब दूसरी बात, ये पहली बात हो गई, ये सब बातें लिखते चलना, ये या तो प्लस होगा या ये दोनों माइनस होगा। ठीक, जब भी ओवरलैपिंग जोन एक होगा, यानी कि एक ही जगह तो ओवरलैपिंग हो रही है, तो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे सिग्मा। उसको हम क्या बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। अब ये बात आपको रटनी है, जब भी ओवरलैपिंग जोन एक होगा तो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हो गई बात, उसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। ठीक, ओके, ये हमारी कौन सी एक्सिस है, जेड, इसको बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक, चलिए, अच्छा अब आगे बढ़ता हूं। ये एक बात हो गई, अब दूसरी बात, मान लो मुझे HF बनाना है। HF कैसे बनाऊंगा? सर हाइड्रोजन के पास तो एक ही ऑर्बिटल है, लेकिन फ्लोरीन के पास है 2p5। मैं बस लास्ट शेल वाला दिखा रहा हूँ आपको, 2p5। तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल खाली है, यहाँ पर भी एक ऑर्बिटल खाली है। ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये कोई एक ऑर्बिटल है, मुझे नहीं पता ये कौन सा है, px, py, pz, कोई भी हो सकता है। और ये कौन है? ये s है। ठीक है, इसकी शेप कैसी होगी? इसकी शेप ऐसी होगी, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अगर नहीं याद है तो लिख लो,
पी ऑर्बिटल में एक लोब प्लस का होता है, एक लोब माइनस का, वो आपका मन है, आप किसी को भी प्लस बोल दो और किसी को भी माइनस बोल दो। इसका मतलब ये एस ऑर्बिटल जाकर इस पी ऑर्बिटल से क्या हुआ होगा, मिक्स हुआ होगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो मिक्स कैसे होता है, मिक्स करने के लिए दोनों ऑर्बिटल सेम एक्सिस पर होने चाहिए। तो जेड का न्यूक्लियस, अगर आपको एस और पी को मिक्स कराना है तो कैसे मिक्स कराओगे, देखो अब आपके दिमाग में कई सारे तरीके आ सकते हैं, ध्यान से देखना। मान लो सर मैंने ये ले लिया एक्सिस, इसको मैंने बोल दिया जेड, इस पर मैंने बना दिया ये एस, ठीक है, ठीक। तो एस का न्यूक्लियस ये हो गया, अब इससे पी मिक्स होने आ रहा है सर, तो क्या होगा सर, पी हो सकता है मैं पी एक्स बना दूं, तो ये जेड है तो ये एक्स एक्सिस होगी, इस पर मैंने ये पी एक्स बना दिया, ठीक है, ओके। अब सर ये मान लो प्लस है, ठीक, इसका एक लोब प्लस होगा एक लोब माइनस होगा, ठीक। अब मान लो ये दोनों करने आए ओवरलैप, तो ओवरलैप करते समय याद रखना ये दोनों न्यूक्लियस एक ही एक्सिस पर होने चाहिए, दैट इज जेड, ठीक है। तो जब ये ओवरलैप करने आएंगे तो क्या होगा, जब ये ओवरलैप करने आएंगे तो कुछ इस तरीके की पिक्चर बनेगी, ध्यान से देखना। थोड़ा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखो, अब ये प्लस था, ध्यान से देखना, ये प्लस था, अब जब ये ओवरलैप करने आया तो थोड़ा ऊपर का पार्ट इससे ओवरलैप करेगा और नीचे का पार्ट इससे ओवरलैप करेगा, सर सही बात है बिल्कुल, ठीक। और न्यूक्लियस तो कभी भी एक दूसरे के अंदर नहीं घुसते, न्यूक्लियस थोड़ी जाता है एटम के अंदर, राइट, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक ओवरलैपिंग जोन तो ये आया, एक ओवरलैपिंग जोन ये आया, तो दो ओवरलैपिंग जोन आए, लेकिन सर यहां पर प्लस प्लस के साथ भी कंबाइन करा और प्लस माइनस के साथ भी कंबाइन करा, सर जब प्लस प्लस के साथ कंबाइन करा होगा तो हमें हुआ होगा गेन, क्योंकि जब सेम फेज मैच करते हैं तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसका शब्द होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब दो अलग अलग साइन के लोब आपस में मिक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो यानी कि सर जितना गेन हुआ उतना ही लॉस हो गया, और जब गेन और लॉस हो गया तो इसका मतलब यहां पर कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। अरे सर पर HF के बीच में तो बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब आप जो पी लाए हो वो पी एक्स तो बिल्कुल नहीं, वो पी एक्स तो बिल्कुल नहीं है, तो फिर कौन आया होगा, चलो दूसरा देखते हैं। मान लो ये एस ऑर्बिटल है, अब की बार मैं पी जेड लेकर आता हूं, तो इसमें मान लो एक्स, अब पी जेड कैसा होगा, पी जेड होगा आपका इस तरीके से, इसमें एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक है। अगर आपको इन दोनों को ओवरलैप कराना है तो ये प्लस है, तो इस प्लस को आप किसके साथ कराओगे, इस प्लस के साथ ही ओवरलैप कराओगे, और दोनों न्यूक्लियस को आपको जेड एक्सिस पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है मैं रख देता हूं और ओवरलैप करा देता हूं, तो ये मैंने क्या करा दिया, ओवरलैप। ओवरलैपिंग जोन कितना आया सर, ओवरलैपिंग जोन आया आपका एक, तो इसका मतलब ये बॉन्ड कैसा होगा, ये बॉन्ड होगा सिग्मा, ये बॉन्ड होगा सिग्मा, ठीक है। और इस टाइप की ओवरलैपिंग को बोला जाता हैड ऑन ओवरलैपिंग, ऐसा लग रहा है ना पी आकर अपने सिर के बल एस ऑर्बिटल में घुसा चला जा रहा है, तो इसको बोलते हैंड ऑन ओवरलैपिंग। ये जो पीछे बनी थी इसको भी बोलते थे हैड ऑन ओवरलैपिंग, यहां पर यह भी क्या थी, हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसके और भी नाम होते हैं, इन सबको देखेंगे अभी, बस मैं चीजें आपके पास अब इकट्ठी कर रहा हूं, इन सबको लिखते चलिएगा और देखते हैं कुछ और बातें, ठीक है। मान लो मुझे बनाना है F2, अब F2 में क्या होगा सर, F के पास भी 2P5 खाली है और दूसरे F के पास भी 2P5 खाली है, ठीक है, तो सर यहां पर भी एक है और यहां पर भी एक बॉन्ड है,
यानी कि इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, एक ही बॉन्ड बना है, इन दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड बना है, और दोनों किसके द्वारा बने हैं, ये भी 2p और ये भी 2p, दोनों के 2p 2p मिक्स हुए होंगे। अच्छा ये कैसे कैसे मिक्स हो सकते हैं, ध्यान रखना, देखो ये मिक्स हो सकते हैं सर, देखो मान लो एक pz ले लूं और एक दूसरा pz ले लूं, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, और ये दोनों मान लो ओवरलैप कर गए, तो जैसे ही ये लोग ओवरलैप करेंगे क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस, अब मैंने माइनस माइनस वाले ओवरलैप करा दिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस और प्लस, यहां पर ओवरलैपिंग जोन कौन सा है, ये वाला ओवरलैपिंग जोन है 1, तो जो बॉन्ड बनेगा वो होगा सिग्मा, जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, सिग्मा, ठीक। अच्छा अब एक नई बात बताने जा रहा हूं, फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज ऑलवेज सिग्मा, फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज ऑलवेज सिग्मा एक्सेप्ट इन बी टू एंड सी टू, ये वाली बात लिखी, B2 और C2 नाम के मॉलिक्यूल को अगर मैं छोड़ दूं तो दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल आए उनके दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बनेगा, ये डन है, कंफर्म हो गई, आज से इसको रट लीजिए। और सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब ओवरलैपिंग जोन एक होता है, इसका मतलब जो इत्तफाक से हमने ओवरलैपिंग जोन करके ये ओवरलैपिंग कराई है F2 के बीच में कुछ ऐसी ही ओवरलैपिंग हुई होगी, यानी कि जब 2PZ और 2PZ मिले होंगे तो सिग्मा बॉन्ड बना होगा। किसी के दिमाग में आ सकता है सर अगर मैं PZ और PY को मिक्स कराता तो क्या होता, तो मैंने कहा बेटा देख पहले तो तुझे न्यूक्लियस तो सेम ही एक्सिस पर रखने पड़ेंगे दोनों, न्यूक्लियस को तो तू हटा नहीं सकता, तो पी एक्स बनेगा ऐसा और पी जेड बनेगा ऐसा, ठीक है, तो जब तू इनको ओवरलैप कराने आएगा तो इसका ऊपर वाला पार्ट इसके ऊपर वाले पार्ट के साथ मिलेगा, नीचे वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के साथ मिलेगा, अब इसको अगर नेगेटिव मान रहा है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो फिर से ये जीरो ओवरलैपिंग वाला जोन बन जाएगा, यानी कि नो बॉन्ड फॉर्मेशन वाला जोन बन जाएगा। किसी के दिमाग में सर एक बात और, क्या मान लो ये जेड एक्सिस, मैंने इस पे दोनों की न्यूक्लियस रख दी, मैंने कहा बिल्कुल सही, लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों के पी ऑर्बिटल लेकर आया, लेकिन दोनों थे मेरे पास पीएक्स पीएक्स, दोनों मेरे पास कैसे थे पीएक्स पीएक्स, तो इसका भी प्लस इसका भी प्लस, इसका माइनस इसका माइनस, सर अब मैं ना इन दोनों को पास पास लेकर आ रहा हूं एक दूसरे की तरफ, तो क्या होगा, मैंने कहा देख न्यूक्लियस तू नहीं हटा सकता जेड एक्सिस से, तो ये मैं इधर लेकर आया, फिर एक और न्यूक्लियस लाया और ये मैंने ऐसे ओवरलैप करा दिया, बड़े ध्यान से देखना, अब ये दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर गए, दोनों के न्यूक्लियस आज भी जेड एक्सिस पर हैं, प्लस प्लस के साथ ओवरलैप करा है और माइनस माइनस के साथ ओवरलैप करा है, मैंने सारे रूल्स फॉलो करे हैं, इसका मतलब बॉन्ड बनेगा, हाँ सर अब बिल्कुल बनेगा, लेकिन इनको आपने ओवरलैप कैसे कराया, सर ये वाली साइड ये वाली साइड से ये वाली साइड से, तो इस ओवरलैपिंग को बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, क्योंकि ऐसा लग रहा है दोनों पी ऑर्बिटल गले मिल रहे हैं आपस में, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, और इसमें जो ओवरलैपिंग जोन है वो कितने हैं, दो, एक ये वाला और एक ये वाला, और जब भी ओवरलैपिंग जोन दो होते हैं हमेशा जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं पाई, हमेशा जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है पाई बॉन्ड, इस बात को रटना है, हमेशा जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है पाई बॉन्ड, ठीक, और पाई बॉन्ड जो होगा हमेशा ऑलवेज सेकंड एंड थर्ड, यानी कि किसी भी एलिमेंट के बीच में पहला बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा होगा और जो बाकी के दो बनेंगे वो हमेशा पाई होंगे एक्सेप्ट B2 और C2। अब इसमें भी लिख लो
ये रटना है, ये आगे हम एमओटी में समझेंगे। बी टू में होता है एक पाई बॉन्ड और सी टू में होते हैं दो पाई बॉन्ड। बी टू में होता है एक पाई बॉन्ड, सी टू में होते हैं दो पाई बॉन्ड। इसके अलावा दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल हो, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा तीसरा बॉन्ड पाई। क्लियर हो गई बात? और पाई बॉन्ड हमेशा कैसे बनेगा? पी ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग। पी ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो इसका मतलब F2 के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है वो साइड वाइज नहीं है, क्योंकि F F के बीच में केवल एक बॉन्ड है और पक्का ये सिग्मा बॉन्ड रहा होगा, तो ये PZ और PZ की ओवरलैपिंग से बना होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग कुछ और आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब बड़े ध्यान से देखना, अब मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं। मान लो मैं कार्बन की बात करता हूं, कार्बन नहीं, रुको, मैं बात कर लेता हूं O2 की बात कर लेता हूं। तो O2 में क्या है? O2 में दो बॉन्ड है, O2 में दो बॉन्ड है। तो दो बॉन्ड में पहला बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा। एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक बॉन्ड पाई होगा, एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक बॉन्ड पाई होगा, क्योंकि पहला बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा ही होता है। अगर मैं आपसे पूछता ओ के बीच में जो पहला बॉन्ड बना होगा वो कौन सा होगा, आप बोलोगे सिग्मा। फिर जो दूसरा बना होगा वो कौन सा होगा? सर पाई होगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर मान लो सी सिंगल बॉन्ड सी है, कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। सी डबल बॉन्ड सी है, कौन सा बॉन्ड? सर एक सिग्मा दूसरा पाई। सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, अब बड़े ध्यान से देखना, इसमें सर एक सिग्मा है और दो पाई है। बेटा हमेशा याद रखना बीच वाला सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में बीच वाला सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड भी पाई और तीसरा बॉन्ड भी पाई, ऊपर नीचे वाले पाई पाई, बीच वाला सिग्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बीच वाला सिग्मा, ऊपर नीचे वाले पाई पाई। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? सी ट्रिपल बॉन्ड सी की। आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने तो बोला था सी टू में दो पाई होते हैं। बेटा ये सी टू नहीं है, इसकी चौथी वैलेंसी किसी से जुड़ी होगी, मान ले हाइड्रोजन से। C2 में केवल C होते हैं, याद रखना C2 में केवल C होता है, C2 के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पर तो किसी से वैलेंसी जुड़ी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। C2 में कुछ अलग ही केस है, वो बाद में पढ़ेंगे, उसमें दोनों पाई है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेंथ की, तो लिख लो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई। स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड, ये बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में कोई पूछे तो डबल बॉन्ड भारी है भाई, डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। क्यों? अरे भैया दो बॉन्ड को तोड़ना है तुम्हें वहां पर, और सिंगल बॉन्ड में एक ही बॉन्ड को तोड़ना है। लेकिन सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। तो सिग्मा सिग्मा फिटस, अब यहां पर पाई को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा को तोड़ना है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई को तोड़ना है, और ले लो ट्रिपल बॉन्ड ले लो तो ट्रिपल बॉन्ड उससे भी महंगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक सिग्मा है और दो पाई है, तो सिग्मा तोड़ो फिर एक पाई तोड़ो फिर दूसरा पाई फिर से तोड़ो, सही है ना? ठीक, चलिए अब मैं O2 की बात जरा आपको करके दिखाता हूं। अच्छा, O2 में क्या है? O2 को जरा ध्यान से देखें, 1s2, 2s2 और 2p 4i, यानी कि इसमें कितने p खाली हैं? इसमें दो p खाली है, सही है? ठीक, तो इसका मतलब ये एक O से यहां मिलेगा, एक O से मतलब ऑक्सीजन के एक ऑर्बिटल से इधर मिलेगा। तो मैं बना ही देता हूं, ठीक है, ऐसे ही तो है। तो ये वाला इससे मिला होगा, ठीक, और ये वाला इससे मिला होगा, यानी कि इसमें एक सिग्मा बना होगा और एक पाई बना होगा। अच्छा, सिग्मा कब बनता है? जब ये पी और पी कैसे ओवरलैप करे होंगे, जब ये पी और पी, पी जेड, पी जेड, ठीक। तो अब मैं आपको ऑक्सीजन जरा दिखाता हूं, ऑक्सीजन में तीन है ना पी, ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक। ऑक्सीजन में एक पी तो ऐसा होगा, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं चलो पी एक्स, एक पी ऐसा होगा,
इसको नाम दे दे रहा हूँ पी जेड, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मुझे जेड ही माननी है, क्योंकि आईयूपीएसी ने बोल रखा है कि जेड मानू। ठीक, एक होगा पी वाई, तो वो कुछ इस तरीके का होगा, क्योंकि तीनों आपस में एक दूसरे के एक्सिस पर होते हैं। अब दूसरा ऑक्सीजन लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा देखना, बड़े ध्यान से देखना, इसका एक पी एक्स ऐसा होगा, ठीक, इसका पी सॉरी ये हो गया पी जेड, पी एक्स कैसा होगा ऐसा होगा, और पी वाई कैसा होगा ऐसा होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब जब सिग्मा बॉन्ड बना होगा तो जो लोब्स आए होंगे वो कैसे आए होंगे, मान लो ये प्लस और ये प्लस, ये आपस में क्या कर गए होंगे, ओवरलैप, तो यहां से जो बॉन्ड बना होगा वो बना होगा सिग्मा। ठीक, अब किसको आना है, अब आना है पाई बॉन्ड को बनने के लिए, क्योंकि सिग्मा तो बन गया। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां था, एक इलेक्ट्रॉन यहां था, ये दोनों तो आपस में क्या कर गए, कंबाइन। अब दो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास और है, अब वो आपकी मर्जी है, चाहे आप पी जेड में भर दो, सॉरी चाहे आप पी एक्स में भर दो, चाहे आप पी वाई में भर दो। मान लो आपका मन करा आपने इधर पी जेड में दोनों भर दिए, तो अब क्या होगा, ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा और ये इधर, तो यहां पर जो ओवरलैपिंग जोन बना वो एक ये था और एक ये था, तो इन दोनों के ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड बनेगा पाई। अब ऐसा मत बोल देना कि सर दो ओवरलैपिंग हो रही है तो दो पाई बनेंगे, ना 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 ना, दो ओवरलैपिंग मिलकर जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं पाई। पाई कोई बॉन्ड नहीं है, एक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ थी उसको नाम दे दिया गया। ठीक है, तो एक ओवरलैपिंग जोन से बनने वाला बॉन्ड दो ओवरलैपिंग जोन से बनने वाले बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यानी कि सिग्मा पाई से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अच्छा, किसी का मन करता है सर मुझे जेड में नहीं रखना, मेरा मन है कि सर आप ना पाई में रखो, मतलब पी वाई में रखो आप इलेक्ट्रॉन, तो बेटा पी वाई में भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, इलेक्ट्रॉन यहां रख दो और यहां रख दो, तो अब क्या होता, ये आपस में ओवरलैप कर जाते और ये आपस में ओवरलैप कर जाते, तो अब भी क्या बनता, अब भी पाई बॉन्ड ही बनता। पर अब आपको शायद इमेजिन करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ये ऐसे है इस तरीके से यू करके, क्योंकि ये दोनों क्या है, पी वाई, पी वाई, लेकिन इनके न्यूक्लियस आज भी कहां है, जेड एक्सिस पर, इनके न्यूक्लियस आज भी कहां है, जेड एक्सिस पर। तो इस तरीके से बनकर तैयार हुआ आपका O2, ऐसी एन ट्रिपल बॉन्ड है। अब आप लोग खुद बनाकर देखना, इसमें बीच वाला होगा सिग्मा और ऊपर वाले होंगे पाई पाई, ऊपर वाले होंगे पाई पाई। क्लियर हो गई बात? चलिए अब कुछ और बातें कर लें। अगर मान लो मैंने आपसे कहा बेटा पी एक्स, अब कुछ कंक्लूजन देखते हैं। देखो, जब आपने एस के साथ पी जेड जोड़ा, ये कब मैं बोल रहा हूं, जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मैंने जेड एक्सिस मान लिया, ठीक, अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को जेड मान लू तो पी एस के साथ जब पी जेड जोड़ा तो सिग्मा बॉन्ड बना एस के साथ। अब ये कंक्लूजन लिखवा रहा हूं, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, एस के साथ जब पी एक्स जोड़ा तो कोई बॉन्ड नहीं बना, एस के साथ जब पी वाई जोड़ा तो कोई बॉन्ड नहीं। अगर यहीं पर मैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अब मैं चेंज कर रहा हूं, मान लो कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, तो अब क्या होगा, एस के साथ बेटा पी जेड जोड़ेगा तो कुछ नहीं बनेगा, लेकिन एस के साथ पी एक्स जोड़ेगा तो सिग्मा बनेगा। क्यों? क्योंकि अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, ये बड़ी काम की बात है। एस के साथ जब पी वाई जोड़ेगा तो कुछ नहीं बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई, ये हो गई एस की बात खत्म। आगे चलते हैं, एस के साथ जब एस जोड़ते हैं तो हमेशा ही सिग्मा बनता है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक, इसमें कोई भी केस नहीं है, कोई जेड नहीं, कोई एक्स नहीं, कोई वाई नहीं, क्योंकि एक्स एस ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होता है, हर एक्सिस में बराबर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पी पी के ओवरलैप की, तो सबसे पहले मैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को जेड मान लेता हूं, एक बार मैं एक्स मान लेता हूं, एक बार मैं वाई मान लेता हूं। अब ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखो, अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड है तो PZ और PZ की ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा, PX और PX की ओवरलैपिंग से बनता है पाई, PY और PY की ओवरलैपिंग से भी बनता है पाई। अगर आपने PZ को PX या PY से कंबाइन किया तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, है ना, कोई ओवरलैपिंग नहीं, जीरो ओवरलैपिंग बोलेंगे। या अगर आपने PX को PZ या PY के साथ कंबाइन किया, या PY को PZ या PX के साथ कंबाइन किया, तो कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर आपने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस मान ली, तो अब आपको न्यूक्लियस दोनों के एक्स पर रखने हैं, तो अब जब आप पी एक्स और पी एक्स को कंबाइन कराओगे तो बनेगा सिग्मा, पी वाई और पी वाई को कंबाइन कराओगे तो बनेगा पाई,
पी जेड और पी जेड को कंबाइन कराओगे तो भी बनेगा पाई। इन बातों को अच्छे से समझ लेना, इन बातों को बनाकर भी देख लेना, और कोई डाउट आए तो कमेंट में बताना, मैं उसको दोबारा से अगली क्लास में बनाकर दिखा दूंगा। अगर मैंने पी एक्स को पी जेड या पी वाई से कंबाइन कराया तो कुछ नहीं, ऐसी सेम अगला केस भी। ऐसे यहां पर अगर पी वाई और पी वाई कंबाइन कर जाएंगे तो बनेगा सिग्मा, अगर पी वाई पी जेड या पी एक्स के साथ कंबाइन करेगा तो कुछ नहीं, अगर पी जेड और पी जेड कंबाइन करेंगे तो बनेगा पाई, और अगर पी एक्स और पी एक्स कंबाइन करेंगे तो बनेगा पाई। यहां पर पी जेड और पी जेड, क्लियर हो गई बात? तो ये बन गए मेरे सिग्मा और पाई। ओके, अब मैं बात करता हूं डी की, अब मैं बात करता हूं डी की। तो डी कैसा होता है बेटा, अच्छे से देखना जरा। डी है आपका इस तरीके से। अब डी में क्या होता है, ऑपोजिट लोब सेम साइन के होते हैं, है ना, चाहे कोई से भी ऑपोजिट ले लो, जो वर्टिकली ऑपोजिट होंगे वो सेम साइन के होंगे डी ऑर्बिट। ठीक, तो ये मान लो मैंने बना लिया कौन सा डी जेड एक्स। अब मैंने आपसे कहा बेटा P लेकर आ रहा हूं मैं, आपने पूछा कौन सा P लेकर आ रहे हो, मैंने कहा पी जेड लेकर आ रहा हूं, तो पी जेड कैसा होगा, ऐसा, ध्यान से देखना, अब पी जेड होगा ऐसा। तो बेटा पी जेड तो जब ओवरलैप करने जाएगा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ध्यान से देखना, पी जेड जब ओवरलैप करने जाएगा तो वो ऐसे जाएगा, तो ये तो न्यूक्लियस में घुस गया, क्योंकि इसका ओवरलैपिंग जोन यहां है, इसका ओवरलैपिंग जोन यहां है, और ये ओवरलैपिंग इधर करने जा रहा है, तो ये तो किसी के साथ ओवरलैपिंग ही नहीं करेगा, इसका मतलब यहां पर PZ के साथ कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब DZX की PZ के साथ ओवरलैपिंग नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहीं पर देखना, ध्यान से देखना, अगर मैं DZX को PX के साथ ले आऊं, तो अब क्या होगा, ये आपस में कर लेंगे और ये आपस में कर लेंगे, ओवरलैपिंग जोन दो आए तो बॉन्ड बनेगा पाई, ओवरलैपिंग जोन दो आए तो बॉन्ड बनेगा पाई। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो डी जेड एक्स का पी जेड के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनता, लेकिन डी जेड एक्स का पी एक्स के साथ बॉन्ड बन जाता है। अब अगर मैं इसी में पाई पी पाई लेकर आता तो पी पाई कैसा होता, ऐसा और ऐसा। अब इमेजिन करो पी पाई आपका ऐसा है और एक्स एक्सिस आपकी ऐसी है, बिल्कुल 3D में इमेजिन करना, तो ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस का कोई भी ओवरलैपिंग आपस में नहीं है, तो डी जेड एक्स का चाहे आप पी एक्स से कराओ, मतलब पी एक्स से अगर आप करा रहे हो तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। लेकिन अगर डी जेड एक्स का आपने पी एक्स सॉरी पी वाई या पी जेड से कराया तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते बेटा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर याद है आपको कैसा होता था, इस तरीके का, तो प्लस प्लस माइनस माइनस। अब ये कौन सी एक्सिस है, बड़े ध्यान से, ये है वाई और ये है एक्स, तो जेड कौन सी होगी, जेड होगी ये वाली, जेड होगी ये वाली। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि पी वाई लेकर आओ, तो अब ध्यान से देखना, अब पी वाई को अब यहां मत रख देना कि भाई ये पी वाई एक्सिस है, क्यों, क्योंकि अगर आपने यहां रखा तो नो डाउट आपने पी वाई तो सही बनाया, पर आप इसका ओवरलैपिंग नहीं करा सकते, क्यों, क्योंकि ओवरलैपिंग कराने के लिए रूल था दोनों न्यूक्लियस जेड एक्सिस पर होने चाहिए थे, पर आपका न्यूक्लियस तो वाई एक्सिस पर आ गया, तो ये गलत है। लोगों को जो कंफ्यूजन होता है मैं वो बता रहा हूं, लोग डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पी वाई के साथ ओवरलैपिंग करा देते हैं, ये गलत बात है। अगर आपको ओवरलैपिंग करानी है तो आपको y को यहां रखना पड़ेगा, और जब आप y को यहां रखोगे तो जब इसको पास लेकर आओगे न्यूक्लियस में घुस जाएगा यहां पर, इसका मतलब नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। क्लियर हो गई बात? अच्छा, डी डी की तो ओवरलैपिंग कराई जा सकती है ना, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा किसके साथ ओवरलैप करेगा, तो सारे केसेस बना बना के देखें, कुछ भी बनाकर देख सकते हैं जो आपका मन करे। अब यहां पर क्या होगा, मान लो बेटा ये है आपकी जेड एक्सिस, तो ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर भी आपका दो ओवरलैपिंग जोन है ना, तो बनने वाला बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड, तो यहां पर भी कौन बन गया, पाई।
क्लियर हो गई बात। चलिए तो हम लोगों ने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया ना, अब हम लोग कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। एवर क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। अब आप ऑफिशियली हेडिंग लगा लो सिग्मा बॉन्ड। अब मैं आपको सारी बातें समेट के एक बार लिखवा दे रहा हूं। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता था तो लिख लो, फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग, फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, ऑलवेज फर्स्ट बॉन्ड, ऑलवेज फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा एक्सेप्ट बी टू एंड सी टू, एक्सेप्शन करके बी टू और सी टू लिख लेना। तीसरा पॉइंट लिखें, सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन पाई, सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन पाई। चौथी बात लिखें, ओनली वन सिग्मा इज पॉसिबल बिटवीन टू एटम, टू एटम के बीच में जो एक पहला बॉन्ड बनेगा वही सिग्मा होगा, उसके बाद कभी भी सिग्मा नहीं बनेगा। तो ओनली वन सिग्मा बिटवीन टू एटम। पांचवा, सिग्मा बॉन्ड नेवर टेक पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिग्मा बॉन्ड नेवर टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में हम लोगों ने कभी भी सिग्मा बॉन्ड को पार्ट नहीं दिलवाया था। हमने जब भी CO3 का जैसे स्ट्रक्चर बनाया था तो सिग्मा तो फिक्स ही रहे थे सारे, मैंने पाई को घुमा दिया था यहाँ पर, सिग्मा तो तीनों का फिक्स ही रहा था, पाई बॉन्ड जो था यानी कि जो डबल बॉन्ड वाला जो दूसरा बॉन्ड था वो घूम रहा था, लेकिन सिग्मा, ये सिग्मा था, ये सिग्मा था, ये सिग्मा था, तीनों का, ये सिग्मा 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 फिक्स था। वो जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है जिसको आप डबल बॉन्ड बोलते हो, एक्चुअली डबल बॉन्ड में वो पाई बॉन्ड होता है ना। तो अगर कोई बोले कि सी डबल, तब मैं भी बोल रहा था कि डबल बॉन्ड उठकर इधर चला जाएगा इधर चला, क्योंकि तब मैंने पाई नहीं पढ़ाया था। तो अब करेक्ट टर्म मैं खुद अपने आप को करेक्ट कर रहा हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ, अब करेक्ट करिए खुद को, ठीक है, समय के साथ हम लोग करेक्ट होंगे। ठीक, तो क्या कहता है वो कि वो डबल बॉन्ड नहीं घूम रहा था, वो पाई बॉन्ड घूम रहा था। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड नेवर टेक पार्ट इन रेजोनेंस। ठीक, अच्छा आगे बात करते हैं। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट, फ्री रोटेशन इज अलाउड, फ्री रोटेशन इज अलाउड बिटवीन, नहीं या फिर थ्रू सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लो ये एक एटम है ए, इससे ये बी एटम जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे समझो, आपने दो बॉल ली, यहाँ पर एक होल था, इसको आपने दो डंडे से कनेक्ट कर दिया, मतलब इसको आपने इस तरीके से ऐसे एक डंडे से कनेक्ट कर दिया। आप क्या कर रहे हो, आप इस गोले को घुमा रहे हो ऐसे गोल गोल, यहाँ पर भी इस गोले को घुमा रहे हो तो आराम से घूम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ये भी एटम ऐसे घूमता रहेगा गोल गोल, ये भी एटम ऐसा घूमता रहेगा गोल गोल, उसी एक्सिस के थ्रू यानी कि किसी डंडे के थ्रू। ठीक, तो सिग्मा बॉन्ड इज मतलब फ्री रोटेशन इज अलाउड थ्रू सिग्मा बॉन्ड, यानी कि ये एटम अपना अलग घूमता रहेगा इस बॉन्ड के थ्रू, ये भी अलग घूमता रहेगा, अपनी एक्सिस पर घूम रहा है, यानी कि ये यहां से कनेक्टेड है, यहीं पर गोल गोल घूमे जा रहे हैं। क्लियर हो गई बात, चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। ये बातें थी कुछ सिग्मा बॉन्ड के बारे में। अब लिखो पाई बॉन्ड, अब एडिंग लगाओ पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड के बारे में भी सारी बातें लिख लो जो अभी मैंने आपको पढ़ाई। लेकिन फॉर्म्ड बाई साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज को लोग लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, अगली बात, ऑलवेज सेकेंड एंड थर्ड बॉन्ड, सेकेंड और थर्ड बॉन्ड कौन होगा, पाई, एक्सेप्ट बी टू और सी टू। बी टू में पहले दो बॉन्ड शुरू, मतलब दो ही बॉन्ड होते हैं बी टू, सॉरी बी टू में एक बॉन्ड होता है और पहला पाई होता ही है, और सी टू में दो बॉन्ड होते हैं और दोनों पाई होते हैं। लिख लेना, बी टू में कोई सिग्मा नहीं, एक ही बॉन्ड होता है वो पाई है, सी टू में दो ही बॉन्ड होते हैं और वो दोनों ही पाई है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ओवरलैपिंग जोन होता है, अच्छा उसमें भी लिख लेना ये वाली बात, सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग जोन जो होता है वो वन होता है, और इसमें जो ओवरलैपिंग जोन होता है वो टू होता है। ठीक है, अगली बात, जो ओवरलैपिंग जोन होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है, अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यानी कि ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, मान लो जहां पर ओवरलैप हो रही है तो ओवरलैपिंग जोन भी इसी एक्सिस के अलोंग आ रहा है। लेकिन पाई में क्या है, पाई में जैसे यहां पर है और यहां पर है इस तरीके से, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, लेकिन इसके ऊपर है ओवरलैपिंग जोन और इसके नीचे है, राइट। तो ओवरलैपिंग जोन इज अबव एंड बिलो,
अबव एंड बिलो। इसीलिए मैंने आपसे कहा था जब तीन बॉन्ड बने होंगे तो पक्की बात है एक तो बीच में बना होगा ओवरलैपिंग से, एक ऊपर बना होगा और एक नीचे बना होगा। इसलिए बीच वाला बॉन्ड सिग्मा ऊपर वाले दोनों पाई, ऊपर नीचे वाले, इसलिए बोलते हैं। ठीक है, अगली बात, फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। अगली बात लिखें, फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल सिग्मा बॉन्ड के अबाउट, फ्री रोटेशन पॉसिबल, सॉरी पाई बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? अब इस बात को समझो, मान लो ये एक एलिमेंट है, इनको दो डंडों से आपने ऐसे जोड़ दिया, अगर ये घूमेंगे तो क्या होगा? मान लो एक चक्कर लगाया तो ये बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये घूमा था एटम, ये जैसे ही घूमा होगा ये बॉन्ड टूट कर इधर आ जाएगा। फिर एक और बार घुमाओ तो जैसे ही आप घुमाने जाओगे इस एटम को, ये बॉन्ड, अब ये जो दो डंडे हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। यानी कि आप कभी भी दो चीज, मतलब दो हाथों, बिल्कुल ऐसा समझ लो जैसे दो आदमियों को लो और उनके दोनों हाथ एक दूसरे के हाथ में पकड़ा दो। ठीक है, अब उनसे कहो बेटा बिल्कुल ऐसे घूमो, तो वो नहीं घूम पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके हाथ बीच में क्रिस क्रॉस कर देंगे। लेकिन अगर एक ही हाथ से जोड़ा, मतलब एक ही हाथ से पकड़ाया, तो वो घूम सकते हैं आराम से। तो फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल अराउंड पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड टेक पार्ट इन रेजोनेंस, पाई बॉन्ड टेक पार्ट इन रेजोनेंस, पाई बॉन्ड रेजोनेंस में खूब बढ़िया पार्ट लेता है। ठीक है, दूसरी बात बस लिख लो, इस बात को आगे बढ़ेंगे। पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाई प्योर और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, बस इसको लिख लीजिए, ये बाद में हम समझ लेंगे ये क्या बोल गया मैं, इंपॉर्टेंट बात है लेकिन बहुत। ठीक है ना, यानी कि नीचे लिख लेना इसका कंक्लूजन, हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर फॉर्म्स पाई। ये बात हम समझ लेंगे बाद में, आज से एक दो लेक्चर बाद ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, बस अभी के लिए इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया, अभी ये कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ, कल की क्लासेस में और लगाएंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कि किसमें कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं, सब गिनना सीखेंगे, है ना, बहुत सारी चीजें करेंगे, कल ये टॉपिक और चलेगा। ठीक है, पर आज मैंने काफी कुछ आपको बताया है, समझाया है, जो मैंने नहीं सिखाए उनके खुद सोचिए बनाइए, कोई डाउट आता है तो पूछिए। ठीक है, और इसके बारे में डिस्कशन हम लोग कल की क्लास में आगे बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा, सी यू, बाय।